जीवन में कुछ अच्छा ना चल रहा हो, भरोसा टूट रहा हो, उस समय थोड़ा आपको शांत जीवन जीना होगा। अपने इमोशंस को, अपने माइंड को थोड़ा शांत रखकर आपको ये सोचना होगा कि क्या कर सकता हूँ, आपको ये सोचना होगा कि क्या नहीं कर सकता। आपको अपने जीवन के लिए प्लान बनाने होंगे, एक लिस्ट बनानी होगी कि मैं डेली क्या कर सकता हूँ या मैं एक महीने में क्या कर सकता हूँ। इन सब चीज़ों की आपको एक लिस्ट बनानी होगी। कितना भी बुरा लगे, कितना भी अच्छा लगे, आपको ये काम करना होगा। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, अपना टाइम शेड्यूल नहीं बनाएंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको उस दिन का इंतज़ार करना होगा कि जिस दिन मैं सफल होऊंगा, उस इंतज़ार के बाद जो सफलता मिलेगी, आप जब उसका सामना करेंगे तो आप अपने अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग महसूस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने YouTube चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको अपने एक YouTube सब्सक्राइबर, व्यूवर्स और अपने एक दोस्त की लाइफ स्टोरी बताऊंगा। 7 महीने के अंदर उनका D6 और D7 लेवल है, उन्होंने कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखा या अपने आप को कैसे मेंटेन करा और क्या क्या चीज़ें वो कर पाए, कैसे दुनिया की चीज़ों को साइड रखा, नेगेटिव लोगों से दूर रहे, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में उनकी जर्नी दिखाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे दोस्तों नए होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। नमस्ते ज़हीर अब्बास सर जी, मैं एक वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ आपको, प्लीज़ उसमें देखना क्या मैं 6 महीने में कुछ रिकवर हुआ हूँ या नहीं। मेरा चेस्ट से यहाँ से पूरा सुन्न है, प्लीज़ आप रिप्लाई ज़रूर करना। मैं अपनी एक्सरसाइज की वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, देखिए ये हैं हमारे ब्रिजपाल जी मध्य प्रदेश से। इनको D6 और D7 में एक एक्सीडेंट की वजह से इंजरी आई थी। इनके 8 स्क्रू और 2 प्लेट लगी हुई हैं डी लेवल में। अब देखिए डी लेवल में जिनके लगी होती है उनका नाभि से नीचे का हिस्सा चला जाता है और चेस्ट से नीचे का सुन हो जाता है। होता क्या है कि अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज या मेहनत करते रहें, स्टार्टिंग में हमें इस चीज़ के बारे में अगर पता लग जाए तो उसके बाद में हम लोग अगर टाइम टू टाइम फिजियोथेरेपी अगर कुछ टाइम के लिए लेंगे तो उस टाइम पे मसल्स हमारी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होने की वजह से रिकवरी आ जाती है। ब्रजपाल जी ने मेरे को टाइम टू टाइम वीडियोस भेजते रहते हैं, काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभी इनको 7 महीने हुए हैं और मैं देखकर बताता रहता हूं कि अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों के पास में पैसे की प्रॉब्लम है। इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि 500 रुपये या 1000 रुपये पर डे 1 घंटे के, आधे घंटे के किसी डॉक्टर को दिए जाएँ। तो फिर मैं इनके साथ काफ़ी लंबे समय 7 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरे को वीडियो बना के भेजते रहते हैं। और जैसे मैं बता देता हूँ, ऊपर वाले का शुक्र है, जैसे मेरे को डॉक्टर बताते हैं वैसे मैं इनको गाइड कर देता हूँ। तो अब इन्होंने ये वीडियो मेरे को इसलिए भेजी थी कि 6 महीने या 7 महीने के अंदर देखिए सर मेरी रिकवरी क्या आई है। अब इनकी रिकवरी ऊपर वाले का शुक्र है बहुत अच्छी आई है, क्योंकि इन्होंने टाइम से फालतू की चीज़ों को सोचना बंद कर दिया कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, जबकि ये मैरिड हैं और इनके बच्चे भी हैं। उसके अलावा इन्होंने सारी चीज़ें छोड़नी चालू कर दी, नेगेटिव लोगों से दूर रहना चालू कर दिया और सिर्फ फोकस करा, जैसा मैंने इनको बताया, सिर्फ अपने इलाज के ऊपर कि आपको सिर्फ ये सोचना है, आपका मकसद सिर्फ ये है कि मैं अब चलूँ कैसे। उसमें भगवान की भक्ति भी है, ऊपर वाले को याद भी करना है और अपने मकसद की तरफ निरंतर चलते रहना है, कंपलसरी है। अगर आप रेगुलर अपने एम की तरफ बढ़ते रहेंगे तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। इन्होंने सबसे पहले, मैंने इनको 2 ही चीज़ बताई थी, अपने अपर लिम को स्ट्रांग बनाइए और बैठना इस तरह से सीखिए। तो इनका डी लेवल होने की वजह से इनके ऊपर वाले का बहुत शुक्र है और इनकी मेहनत की वजह से, इनकी वाइफ की मेहनत की वजह से, इनके परिवार ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया तो ये इतना रिकवर कर गए। दोस्तों ऐसी वीडियोस डालने का मेरा मेन पर्पज़ सिर्फ यही होता है, किसी को हर्ट करना नहीं होता। सिर्फ इसलिए मैं इस तरह की वीडियो डालता हूं कि जिससे कि हमारे आपस में यूट्यूब फैमिली मेंबर्स में जितने भी भाई बहन हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से रिलेटेड परेशान हैं और उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है और उनके पास में पैसे का भी अभाव है, पैसा भी नहीं है, तो वो इस तरह से अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि कोई फ्रैक्चर ना हो, कोई एक्टिविटी ऐसी ना हो जिससे कि आपकी कोई हड्डी वगैरह टूट जाए।
बाकी ऊपर वाले का नाम लेके आप जब भी कोशिश करेंगे तो आपकी रिकवरी आनी चालू हो जाएगी। ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने से पहले फिर भी आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट ज़रूर किया करें, किसी डॉक्टर से कंफर्म कर लिया करें अगर कोई चेंजेस बॉडी में आते हैं। अब देखिए, करवट लेना भी सीख गए और बैठना भी सीख गए ये स्टार्टिंग में, इनको 15 दिन के बाद में ये सब चीज़ें इन्होंने करनी चालू कर दी। 15 दिन तक काफ़ी डिस्टर्ब रहे थे कि भाई अब क्या होगा कैसे होगा। बाकी जैसे ही मैं इनके संपर्क में आया, इन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, अपनी वीडियो भेजी, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिया और उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर वाले का शुक्र है वीडियोस देख देख कर रेगुलर आप यहाँ तक पहुँच गए, तो हम बहुत शुक्र करते हैं। अगर हमारा कोई भाई या हमारी कोई बहन स्पाइनल कोड इंजरी से रिलेटेड जो भी परेशान है या जो भी बैड रिडन है किसी भी टाइप से, अगर वो अपनी एक्टिविटी दोबारा चालू कर देते हैं और अपने मकसद में कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है इस चीज़ के लिए, क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपना एक चार्ट बनाते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं, अपनी एक लिस्ट बनाते हैं। अब देखिए, इनकी बेटी हमसे नमस्कार कर रही है और हमने भी इनसे नमस्कार का जवाब ले लिया। पूरा घर हमारा फ़ैन है, ये सब सारी इज्जत देने वाला ऊपर वाला है। मैं कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आप लोगों को और बाकी सारी चीज़ें देने वाला ऊपर वाला है। आप लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं भी ठीक हो रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि आप लोग मेरे लिए प्रे करते हैं और मैं ठीक हो रहा हूँ। दोस्तों, मैंने इनको सेकंड स्टेप जो बताया वो खड़े होने का बताया था कि आप किसी भी तरह स्टैंडिंग करनी चालू कर दें, चाहे चार लोगों को साथ में लेके करें, चाहे दो लोगों को लेके करें, बस ध्यान रखना है कि गिरना नहीं है। अब इनका कॉन्फिडेंस देखिए इतना आ गया डी लेवल होने के बाद भी कि ग्रिल वगैरह पकड़ कर अपने घर की और इंडिविजुअल अपने आप खड़े हुए हैं। बाकी फिर भी मैं कहता हूँ कि अपने साथ में सपोर्ट के लिए अपने साथ में किसी न किसी को अपने लेकर रखा करें, जैसे कि अगर आपको ऐसा लगे कि मैं गिर सकता हूँ या आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, थकान हो रही है, तो उस टाइम पे वो आपको संभाल लें, तो उस टाइम पे आप ठीक हो जाएंगे। खड़ा होना ज़रूरी है। अब देखिए, अपने घर में सबसे मेन काम इन्होंने चालू किया, जो इनका पुराना बिजनेस था या जो भी पुराना वर्क था इनका, साड़ियाँ बनाने का मध्य प्रदेश में काम है। बैठे बैठे अपनी एक्सरसाइज भी हो रही है, नॉर्मल आदमी से ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। माइंड डिस्टर्ब नहीं है, माइंड अपने वर्क की तरफ है और अपना काम भी कर रहे हैं, अपने परिवार को भी चलाते हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग मुझे इस तरह से कॉपी करते हैं, इन्होंने वीडियो देखी थी कि अपनी एक्सरसाइज के साथ साथ में आप अपना कोई काम भी कर सकते हैं और काम के हो वो जो आपको कम्फर्ट जोन में रखे, मतलब कि आपके साथ कोई नुकसान ना हो, आपकी बॉडी की हार्मफुल ना हो, ऐसा कोई काम करना है। और ख़ास करके वो काम करिए जो कि आप पहले करते थे, उसी को बड़े लेवल पे ना करके छोटे लेवल पे करिए, स्टार्टिंग तो करिए, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी अगर ऊपर वाला हमारे साथ है। इसके बाद में थर्ड स्टेप जो मैंने इनको बताया था दोस्तों, वो था कि आप इनके मुँह से ही सुनिएगा कि मैंने इनको क्या क्या चीज़ें बताई थी और कौन कौन सी एक्सरसाइज बताई थी। एक्सरसाइज मैं इंडिविजुअल इनको वीडियोज़ में ही बताता हूँ ज़्यादातर और वीडियो को कॉपी करते हैं। अब आप इनके मुँह से सुनिए मैंने इनको कौन सी एक्सरसाइज बताई, आगे ये बताएंगे। नमस्कार जहीर अब्बास सर जी, आपने एक एक्सरसाइज और बताई थी वीडियो के माध्यम से, वो ये वाली एक्सरसाइज है, दिन में 4-5 बार कभी भी आप बैठो तो ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर किया करो, तो वो वाली एक्सरसाइज हम करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो मेरी एक एक बात को वीडियो में बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं, तो उनको कामयाबी भी ऊपर वाले का शुक्र है मिल रही है। ये सारी वीडियोस मेरी बड़े ध्यान से सुनते हैं, मुझे कभी इमरजेंसी में ही कोई व्हाट्सअप करते हैं 1-2 महीने में या फिर कोई वीडियो भेजते हैं, इसके अलावा मेरे को भी परेशान नहीं करते। अब जो लोग क्या है कि भाई कुछ करना तो उनको है नहीं, उनके क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, आप जब तक एक चीज़ के ऊपर प्रॉपर काम नहीं करेंगे तब तक आपकी रिकवरी नहीं आएगी। आपने ये वाली एक्सरसाइज दिन में 2-3 बार 4 बार और मैं चौकड़ी मार के ही बैठा हूँ, फिर आपने ये वाली बताई थी। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि आप बेड पे आ गए तो अब एक हफ्ता एक्सरसाइज कर लें या फिजियोथेरेपी करा लें और उसके बाद में हम चलने लगें और अपने काम धंधे पे लौट जाएं। देखिए, आप सच्चाई को स्वीकार करिए, इन्होंने भी सच्चाई को स्वीकार किया कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है और छोटा सा इलाज है, जब तक हम एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी करते रहेंगे, एक्टिविटी करते रहेंगे, हम रिकवर होते रहेंगे। इसका जीता जागता सबूत एक ये है, ब्रिजपाल जी आपके सामने मैं भी हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी 1.5 साल तक या 2 साल तक रिकवरी आती है, उसके बाद रिकवरी नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं है। रिकवरी 10 साल तक भी आती है और 15 साल तक भी, 20 साल तक भी। जिस शरीर को आप जब तक चलाते रहेंगे, न्यूरॉन्स बनते रहेंगे
और हमारा शरीर एक तरीके से एंटीबायोटिक होता है, जब हमारे चोट लग जाती है तो घाव हो जाता है, तो वो घाव ऑटोमेटिक भरने लगता है अगर हम उसके ऊपर प्रेशर ना डालें, उस पर हवा लगने दें या फिर हम एक्सरसाइज करते रहें तो वो ठीक होने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो गल गया तो सड़ गया, जब हम गलती करेंगे तभी वो ख़राब होगा, अदरवाइज़ वो ख़राब नहीं होगा। आप जब भी बैठते हैं तो इस तरह की एक्सरसाइज दिन में 2 बार 3 बार, जब भी आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो एक आप रूटीन बनाइए कि भाई मैंने आधे घंटे बैठना है या 15 मिनट बैठना है और बैठ के मुझे 10-10 स्टेप ये वाली एक्सरसाइज करनी है, तो आप देखिएगा आधे घंटे या 15 मिनट के आप बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा अपर लिम तो स्ट्रांग है। रो के करिए, हंस के करिए, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हम बैठते हैं तो हमसे होती नहीं है, इसलिए दोस्तों शिकायत मत किया करो, आप कार्य करने की कोशिश किया करें, सब ठीक हो जाएगा। आपको इनकी वीडियो कैसी लगी, इनकी रिकवरी कैसी लगी, इनकी लाइफ जर्नी कैसी लगी, तो दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ब्रिजपाल जी की मेहनत रंग लाएगी कि नहीं लाएगी। मुझे तो 100% लगता है कि रंग लाएगी और यही उम्मीद मैं अपने सभी भाई बहनों से करता हूँ, अगर वो भी इस तरह की मेहनत करेंगे तो वो भी कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी हमारे पास तभी आएगी जब हम कोशिश करेंगे, बाकी की चीज़ें नॉर्मल तभी होती हैं जब हमारा काम और हमारा रास्ता सीधा होगा, तभी कामयाब होंगे। थैंक यू जय रब्बा सर जी एक्सरसाइज बताने के लिए, धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर दिया करें, जिससे कि मेरी वीडियो एक दूसरे और भाई बहन तक पहुँच जाए। और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। तो चलिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, नई मिलते हैं एक नई एक्टिविटी नई वीडियो के साथ।